80 बरस चला था हमार बकर हम ही नवगा नहीं कब सुन ले है। अच्छा 80 बरस हो गए लब्बे नमूना है तो वैक्सीन कैसन गए वैक्सीन वैक्सीन का नाम सुन ले अब कब क्यों मुंह है ना नहीं जानता हूं अंदाजा लगाओ का होत हुई अब हम का जानते का होत हुई। अच्छा थई कि वैक्सीन का नाम सुने हैं कभी वैक्सीन के वैक्सीन हां क्या होता है हमरे नहीं समझ आवा था नहीं आ रहा है वैक्सीन का नाम सुन ले आवा वैक्सीन हां का होला का रहा थे वैसे पोतल ले लो खातिम पोतल ले लो के वैक्सीन का जाना वैक्सीन का नाम सुनिए कभी जयसिंह का वैक्सीन तो ना है नहीं सुनी है अंदाजा लगाइए क्या होता होगा भाई बुखार वाला ना हां क्या होता है कुछ नहीं कम होगी वैक्सीन से वैक्सीन से इम्यूनिटी कम हो जाएगी। आप आपने कभी नाम सुना है वैक्सीन के बारे में वैक्सीन तो सुना हूं वैक्सीन सुना हूं हां लेकिन वैक्सीन होता क्या नहीं पता नहीं पता इस्तेमाल नहीं किया अभी नहीं क्या होता है वैक्सीन मतलब क्या वैक्सीन वही है कोरोना का जो है कोविड 19 है कोविड नमस्कार दोस्तों मैं हूं पल्लवी राय भारत एक नई सोच से। दोस्तों जब से कोरोना वायरस आया है तब से ही कई तरीके की इलाज भी आने लगे हैं घरेलू उपचार बताए जा रहे थे जिसमें काढ़ा पीने से लेके न जाने कई कई तरीके के मसाले का इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है ऐसा दावा किया गया था। पतंजलि की अभी एक दवा आई थी लेकिन सही तौर पे बात किया जाए तो वैक्सीन अब आने लगी है कई कई देशों में बनने भी लगी है इसके ट्रायल भी चल रहे हैं और आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूज़पेपर में ये निकल ही जाता है कि आज जो है खुशखबरी है और आज जो है इसका ट्रायल कंप्लीट हुआ है आज फला ट्रायल कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों रोज़ खुशखबरी के बीच लोगों की क्या राय बन रही है लोग सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या जानते हैं वैक्सीन के बारे में वैक्सीन मतलब क्या समझते हैं वही जानने के लिए आज हम लोगों के बीच पहुंचे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये नाम इन्होंने कभी सुना है नहीं सुना है। पूछा था ही कि वैक्सीन का नाम सुने हैं कभी वैक्सीन के वैक्सीन हाँ क्या होता है हमरे नहीं समझ आवा था नहीं आ रहा वैक्सीन का नाम सुने हैं कभी जी नहीं नहीं सुने जानते नहीं है वैक्सीन मतलब यही हो बीमारी का जो बोल रहे उसी का नाम नाम सुने हैं कभी लेकिन जानते नहीं है क्या होता है। अच्छा आप कभी वैक्सीन का नाम सुने हम तो कुछ ना जाना था बाबू हमार कम सुना ला कहा था ही कि वैक्सीन का नाम सुन ले अब कबो नहीं नहीं अच्छा बाबा आप जानते हैं देखिए आप पेपर ऊपर पढ़ रहे हैं पढ़े आवेला नहीं पढ़े नहीं तो पेपर उसे उगाड़ के देखें फोटो फोटो चाचा जो है वो अखबार पढ़ रहे हैं उनसे पूछा गया पढ़े आवेला तो कह रहे नहीं बस फोटो देख रहे हैं है के बाबा जब हम जानते हैं के है बतावा हैं के है जानते हो ओसो की एक तस्वीर बनी हुई है ये के है चाचा ये बाबा है चिन्हत हो बाबा आशा आशा राम बापू है का अच्छा बाबा जो है वो अखबार पढ़ रहे हैं और इनसे पूछ अच्छा बाबा वैक्सीन का नाम सुन ले आवा नहीं अच्छा अंदाजा लगाओ का होत हुई अंदाजा क्या लगा वैक्सीन का अच्छा नहीं जानते का होत हुई 80 बरस चला था हमार बकर हम ही नवगा नहीं कब सुन ले है। अच्छा 80 बरस हो गए लब्बे नमूना ही सुन ले आवा अच्छा कोरोना जानता था हां कोरोना तो पूरा दुनिया में जानता था वो का होला ऊ का होला हमन ही खुल कर बवाल लाई जंती बहिनी बात साफ मैंने का होला मदनी मारा था का का था बाबा कोरोना मतलब बीमारी है हां अब वैक्सीन हाँ? का मतलब का है पता नहीं नहीं तो लोग मतलब भाई ये वाले चाचा बोल रहे हैं कि 80 बरस के हो गए नहीं लेकिन आज ले कब्बो नाम नहीं सुननी कान का बोला वैक्सीन का नाम सुन ले आवा वैक्सीन हां का होला खातिम पोतल ले लो के वैक्सीन कहा जाना ये सैनिटाइजर वाला वैक्सीन का नाम सुने हैं नहीं सुने हैं अच्छा आप सुने हैं नहीं सुने आप सुने हैं भैया अच्छा अंदाजा लगाइए क्या होता होगा
को और फिर अंदाजा लगा लिया हम उनके। अच्छा अंदाजा बताइए क्या हो सकता है वैक्सीन, मतलब दुकान वाले से पूछिए वो बता। दुकान वाले से पूछ लें, ये नहीं बता पाएंगे। ठीक है, वैक्सीन कैसे? वैक्सीन वैक्सीन का नाम सुन लिया कब्बो क्यों मुँह है ना नहीं जानता हुआ, अंदाजा लगाओ क्या हो तुम्हें। अब हम कहा जाते का हो तुम। अच्छा कोरोना वाले सुन लिया वा? ये कुल हम नहीं जानते, नहीं जानता हुआ हमें नहीं पता। नाम सुने कभी नहीं, नहीं। क्या होता होगा अंदाजा लगाइए। नहीं मालूम। चाचा जो है टीवी में पिक्चर देख रहे हैं लेकिन समाचार नहीं देखते हैं, समाचार देखते तो पता होता। अच्छा आप वैक्सीन क्या जानते हैं? हम नहीं पढ़ पा रहे, हमें कुछ नहीं मालूम। अच्छा नाम सुन लिया कब्बू? हाँ बाबा निकल रहे हैं धीरे से। वैक्सीन का नाम सुने है कभी? नहीं सुने? नहीं। अच्छा अंदाजा लगाइए क्या होता होगा? अब हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम। अच्छा, बैटरी? हाँ वैक्सीन का नाम सुने है कभी? वैक्सीन का नाम तो अभी सुनकर नहीं किए हैं। नहीं सुने अंदाजा लग? नहीं सुने। आप सुने? आप ही से बात हुआ था अभी। वैक्सीन का नाम सुने कभी? अंदाजा लगाइए क्या होता होगा? सुने नहीं, हमको मालूम नहीं अंदाजा। अच्छा आप सुने कभी? नहीं सुने वैक्सीन। नहीं सुने नहीं। आप बोलिए बोलिए। वैक्सीन का नाम सुनिए कभी? नहीं नहीं सुनिए। अच्छा आप सुनिए कभी वैक्सीन का नाम? नहीं। आप सुनिए? नहीं। चाची कभी वैक्सीन का नाम सुनी है? नहीं सुनी है। टीवी देखती हैं? उसमें नहीं बताता है कुछ? पता हुआ था, ध्यान नहीं दे रही। अच्छा चाची आप कभी वैक्सीन का नाम सुनी है? वैक्सीन का नाम सुनी है कभी? हाँ तो तेज बोलिए। नहीं नहीं। दादी वैक्सीन का नाम सुन ले आओ। नहीं नहीं। इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है इन लोग नाम ही नहीं। अब बाबा आप कभी सुने हैं वैक्सीन? सुन ले लेकिन नाम नहीं जानते हैं। वैक्सीन का नाम सुनी है कभी? जय सिंह का वैक्सीन तो ना नहीं सुनी है। अंदाजा लगाइए क्या होता होगा? भाई बुखार वाला ना। हाँ क्या होता है? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं क्या होता है? नहीं पता है? नहीं पता। आप लोगों को पता है? नहीं नहीं। नाम सुने हैं? नहीं नहीं। आप सुनिए नाम? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अंदाजा लगाइए क्या होगा? हमको पता नहीं। नहीं पता। हल्का टेस्ट के लिए। अच्छा क्या टेस्ट करने के लिए? कोरोना है कि नहीं? हाँ। अच्छा आप वैक्सीन का नाम सुने हैं? यही बात तो सही है जो बोल रहे हैं। अच्छा वैक्सीन से टेस्ट होगा कि कोरोना है कि नहीं? आप सुने हैं? नहीं हम तो अभी पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा नाम अभी पहली बार सुन रहे हैं। हाँ हाँ। अंदाजा लगाइए क्या होता होगा वैक्सीन, मतलब? अब वैक्सीन से क्या होता है, टेस्ट किया जाएगा। अच्छा कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अच्छा उसके बारे में तो सुने हैं लेकिन तो अभी टेस्ट वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। नहीं क्या होता है वैक्सीन? मतलब कोरोना एक बीमारी होता है। नहीं वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन वैक्सीन आने से हमारे कोरोना जो जहाँ जो सुधार वगैरह आ सकते हैं। नहीं वैक्सीन तो नहीं सुने। अंदाजा लगाइए क्या होता होगा? क्या अंदाजा लगाया जाए, अभी उसका तो पूरा पता नहीं चल रहा है क्या है, कौन बीमारी है कौन नहीं है। अरे सब हल्ला किए, कोरोना है, कोरोना से दुनिया तबाह है। अच्छा आपको डर लगता है कोरोना? डर क्यों नहीं डर लगता है, लेकिन मास्क वगैरह आप नहीं लगा रहे हैं? नहीं सुने। नहीं सुने। अंदाजे लगाइए क्या होगा? तो समझ नहीं आ रहा मुझे। वैक्सीन का नाम कहीं किसी से सुने हैं? नहीं नहीं। नहीं सुने। नहीं सुने। आप सुने हैं कभी? नहीं। सुने हैं, इस्तेमाल नहीं किए अभी। नहीं क्या होता है वैक्सीन, मतलब क्या? वैक्सीन वही है कोरोना का जो है कोविड-19 है। कोविड वैक्सीन का? वैक्सीन का मतलब वही टीका होता है ना। हाँ तो मतलब क्या आप जानना चाह रही हैं बताइए। उन्होंने कम से कम सही जवाब तो दिया है। अच्छा आप कभी नाम सुने हैं वैक्सीन का? नहीं सुने। टीवी भी नहीं देखते हैं? अच्छा अंदाजा लगाइए क्या होता होगा वैक्सीन, मतलब? वैक्सीन टीका लगाने का काम आता है। अच्छा उन्हीं का जवाब सुन के बता रहे हैं क्या? हाँ कह रहे हैं। कम से कम सच्चाई तो है कि बता रहे हैं। उसकी इम्यूनिटी कम होगी वैक्सीन से। वैक्सीन से इम्यूनिटी कम हो जाएगी? आपने कभी नाम सुना है वैक्सीन के बारे में? वैक्सीन तो सुना हूँ, वैक्सीन सुना हूँ। हाँ। लेकिन वैक्सीन होता क्या है नहीं पता? नहीं पता। नहीं हम कितने नहीं जानते हैं। अच्छा अंदाजा लगाइए क्या होता होगा वैक्सीन, मतलब? अब उसका अंदाजा हम क्या बताएं? जब नमे नहीं सुने तो अंदाजा क्या? सही बात है। आप सुने कभी? सुने। क्या होता है दवा? कोरोना वाला दवा है ना।
कोरोना चल रहा है बीमारी, उसी का दवा वैक्सीन है। तो देखा आपने, हम आम लोगों के बीच में सिर्फ एक छोटी सी जागरूकता, लोग कितना अवेयर हैं, लोग कितना जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। रोज एक खुशखबरी दी जा रही है, फला देश में कोरोना वैक्सीन सफल रही, ये इस वाले ट्रायल में ये वाली वैक्सीन सफल रही और न जाने क्या क्या। लेकिन सच्चाई ये है कि आम देहात के लोगों को कोरोना वायरस और वैक्सीन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इक्का दुक्का लोग जो है कुछ अंदाज़ा लगाकर सही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। तो जागरूकता की एक खासा कमी है और हमें और आपको मिलकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। अभी भी भले ही केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों के बीच में जागरूकता बहुत कम है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएँ और लोगों को शेयर भी करें ताकि लोग भी जान सकें। धन्यवाद। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।